नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू टीवीएस ZR 125 BT वेरिएंट को लेने के लिए आपको कितना मिनिमम डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा और मल्टीपल फाइनेंस स्कीम जो है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। टोटल दो बैंक का फाइनेंस स्कीम मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट आपको बताऊंगा टाटा कैपिटल का, उसके बाद L&T का फाइनेंस स्कीम बताऊंगा जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सबसे कम है और ये टीवीएस ZR 125 BT वेरिएंट ही है। तो स्मार्टेक्स कनेक्ट का ब्रांडिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उसके साथ साथ जो है आपको यहाँ पे नया TFT स्क्रीन भी दिख रहा होगा। इसका डिटेल वॉक अराउंड आप लोग अगर नहीं देखे, क्या नया आपको फीचर्स देखने को मिलता है वो वाला वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे, ऑलरेडी मेरा चैनल पे लाइव है तो आप जरूर जाके चेकआउट कर सकते हो। और ये बाइक जो है आपको अगर खरीदना है, परचेस करना है, आपको यूनिवर्सल TVS कोलकाता में आना पड़ेगा। आप अगर वेस्ट बंगाल में रहते हो तो आपको तुरंत जो है ये बाइक मिल जाएगा, टेस्ट राइड भी आपको मिल जाएगा, आप जरूर आके चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका ऑन रोड कीमत बता देता हूँ। कोलकाता में इसका प्राइस है 1,24,000 से 1,25,000 के आसपास इसका ऑन रोड कीमत आपको कोलकाता में देखने को मिल सकता है। एकदम लोएस्ट डाउन पेमेंट आपको टाटा कैपिटल का मैं बता रहा हूँ 18,681 रुपीस। ऑलमोस्ट आप अगर 18,700 रुपया के आसपास डाउन पेमेंट कर देते हो ये बाइक आपको फाइनेंस पे मिल सकता है, इससे भी कम डाउन पेमेंट पे मिल सकते हैं। इनफैक्ट 100% अप्रूवल भी मिल सकता है। लगभग आप 5,000 to 6,000 जो चार्जेस वगैरह रहता है वो डाउन पेमेंट करके आप इस बाइक को खरीद सकते हो। लेकिन उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि आपको पहले शोरूम पे आना पड़ेगा, आपका डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो चेक किया जाएगा, अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद आपका अगर अप्रूवल होता है तो तुरंत आपको एकदम कम डाउन पेमेंट पे भी मिल सकता है। तो ये आप एकदम माइंड में सेट कर लो, 5,000 to 6,000 डाउन पेमेंट आपको हर किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है, हर किसी को नहीं मिलेगा। आपको पहले शोरूम पे आना पड़ेगा, आने के बाद आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, अप्रूवल के लिए भेजना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको अगर अप्रूवल मिलता है तो 100% आपको फाइनेंस जो है वो मिल जाएगा। और मैं जो बता रहा हूँ 18,681 रुपीज़ डाउन पेमेंट का, ये आपको जो है मैक्सिमम लोगों को जो है मिलने वाला है। इसके लिए आपको कोई भी इनकम प्रूफ वगैरह देने का जरूरत नहीं है, कोई भी बंदा जो है इस डाउन पेमेंट पे ये बाइक ले सकते हैं। तो आप अगर 18,681 रुपीज़ डाउन पेमेंट करते हो, आपको मंथली जो EMI आने वाला है 36 महीने के लिए आपको 4,300 के आसपास, 36 महीने के लिए यानी 3 साल के लिए हर महीने EMI आपको देखने को मिल सकता है 4,300 के आसपास। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करें तो 9.99% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिल सकता है। आप अगर 24 महीने के लिए लेंगे तो लगभग आपको 5,900 के आसपास आपको 2 साल के लिए हर महीने EMI देखने को मिल सकता है 9.99% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। उसके बाद अगर ये जो हो गया एकदम मिनिमम डाउन पेमेंट, और मिनिमम डाउन पेमेंट इससे भी कम हो सकता है, ऑलरेडी मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ इससे भी कम में हो सकता है, लेकिन आपको पहले शोरूम पे आना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो डाउन पेमेंट बताऊंगा वो है लगभग आप अगर 32,235 रुपीज़ अप्रोक्सीमेटली डाउन पेमेंट करते हो, 32,235 रुपया आप अगर अप्रोक्सीमेटली डाउन पेमेंट करते हो, आपको 33 महीने के लिए जो मंथली EMI आएगा, ये जो है थोड़ा ऑड स्कीम है 33 महीने के लिए, क्योंकि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम है एकदम लोएस्ट से, 9.30% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिल सकता है 33 महीने के लिए। तो 4,033 रुपीज़ के आसपास आपको 33 महीने के लिए हर महीने EMI आने वाला है, 4,000 के आसपास 33 महीने के लिए हर महीना EMI आने वाला है। इसके बाद आप अगर 36,774 रुपीज़ डाउन पेमेंट करते हो, 36,774 रुपया आप अगर अप्रोक्सीमेटली डाउन पेमेंट करते हो, तो उसी रिगार्डिंग आपको जो है ये बाइक ऑब्वियसली मिल जाएगा। 36,000 में तो ये बाइक आपको मिलना ही होगा। और जो जो फाइनेंस स्कीम बता रहा हूँ ऑल आर नो इनकम प्रूफ वाला फाइनेंस स्कीम मैं आप लोगों के साथ शेयर करना हूँ। तो आप अगर 36,774 रुपया डाउन पेमेंट करते हो, आपको 21 महीने के लिए जो EMI आएगा 5,550 रुपये के आसपास, मतलब 5,550 रुपीज़ के आसपास 21 महीने के लिए हर महीने EMI आने वाला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट और भी कम है, 8.30% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिल सकता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और भी कम हो चुका है। नेक्स्ट जो फाइनेंस स्कीम बताऊंगा ये है आपका L&T का, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम है, 7.99% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको L&T का जो ये डाउन पेमेंट बता रहा हूँ इसके थ्रू आपको मिल सकता है। और आप अगर लगभग 45,000 आप अगर अप्रोक्सीमेटली डाउन पेमेंट करते हो, तो आपको जो है 24 महीने के लिए ये स्कीम मिलने वाला है 3,300 के आसपास, 3,300 के आसपास आपको 2 साल के लिए हर महीने EMI आने वाला है 7.99 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो वोटर आधार पैन तो लगता ही है,
और आपका बैंक का जो भी डिटेल्स है लाइक पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट और एटीएम कार्ड आप जरूर कैरी कर लेना, एटीएम कार्ड या फिर चेक, और एक से दो कॉपी फ़ोटो भी आप जरूर कैरी कर लेना। बाकी इसको छोड़ के आपको अगर कोई भी फिनेंस स्कीम जानना है आप लोग जरूर यूनिवर्सल टीवीएस कोलकाता में कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप अगर वेस्ट बंगाल में रहते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग सेफ राइड, टाटा गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय गाइज, टाटा।